सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज श्वेता एंड आई एम हियर अगेन विद अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजी एंड फ्लैट के बारे में। अगर आप पुणे आते हो और जो आपके ऑफिस लोकेशन है वो हिंजावड़ी में पड़ती है, तो आपको फ्लैट लेना चाहिए या पीजी लेना चाहिए, आप कितने पैसों में यहाँ सर्वाइव कर सकते हो एंड ट्रैवल वगैरह के लिए कौन सा लोकेशन सही रहेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि अभी तो मोस्टली सबके ऑफिस मैंडेटरी कर ही दिए है, बहुत सारे लोग अभी रिलोकेट करने का सोच रहे हो, तो अगर आपकी लोकेशन हिंजावाड़ी पड़ती है तो ये मे भी ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो। एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पुणे में मतलब जो मोस्टली जितनी भी कंपनीज है वो हिंजावाड़ी में है, मगरबट्टा में है, कराड़ी में या बानेर में है। तो अगर आपकी लोकेशन हिंजावाड़ी में पड़ती है तो हिंजावाड़ी में फेसेस है, तीन फेसेस है, फेस वन, फेस टू, फेस थ्री। एंड जो तीनों फेस का डिफरेंस है मीन्स डिस्टेंस का, वो ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। तो फेस वन में आपको ईजिली पीजीज मिल जाएंगे एंड फेस वन में काफ़ी पीजी है, आपको आराम से वहाँ पीजी मिल जाएंगे। एंड फेस टू में आपको फ्लैट मिल जाएंगे, पीजी मिलेंगे बट एज अ फ्लैट। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं फ्लैट को ही एज अ पीजी वो लोग रेंट पे दे देते हैं, वहाँ पे फूड इंक्लूड नहीं होगा, शेयरिंग नहीं होगा, इस तरह का रहता है। एंड प्रॉपर पीजी क्या होता है, जिसमें आपको शेयरिंग में रहना पड़ता है, फूड वगैरह इंक्लूड रहता है, तो वो सब। बट फ्लैट एज अ पीजी, और फ्लैट में आपको किचन का कंप्लीट सेटअप रहेगा, आप खुद से कुक करो और खुद से बनाओ, तो ये रहता है। एंड फेस वन में जो कंपनीज है जिसको मैं जितना जानती हूँ, जैसे विप्रो है, परसिस्टेंस है, कॉग्निजेंट है, एसेंचर, तो ये सब फेस वन में कंपनीज है। तो अगर आपका इन सब कंपनीज में है तो आपको फेस वन में बहुत इजीली पीजी मिल जाएंगे। फेस टू में है इन्फोसिस है, विप्रो है, एटॉस है, बार्कलेज है एंड और भी बहुत सारे कंपनीज हैं, मतलब बाकी मैं बहुत सारी नहीं जानती हूँ, मैं इतनी ही जानती हूँ। तो वहाँ पे आपको भी बहुत अच्छे फ्लैट मिल जाएंगे। एंड अगर आप ऑफिस के सामने लेना चाहते हो तो मीन्स 100-150 मीटर की दूरी पे, तो आपको बहुत महंगे फ्लैट मिलेंगे। आपने देखा होगा कहीं पर भी, आप कोई भी जगह जैसे हॉस्पिटल, स्कूल देख लो, जो सामने वाली दुकान रहती है वो कितनी महंगी बिकती है। एंड अब ये चीज़ आप दूर पे जाके ख़रीदो तो आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को पता रहता है कि इन लोगों को ज़रूरत है तो वो ख़रीदेंगे, इसलिए वो रेट बढ़ा देते हैं। तो पीजी फ्लैट का भी वही है, ऑफिस कॉलेजेस के पास वाले बहुत महंगे होते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग उसमें ना जाए, बट ना जाए। एंड अगर आप थोड़ा अंदर रहते हो, 1-2 किलोमीटर अंदर जाके आप बोलोगे तो आपको अच्छे खासे फ्लैट मिल जाएंगे 60-70K के अराउंड। अगर आप ऑफिस के पास से लोगे तो आपको 25K के अराउंड मिल सकते हैं, वो भी अनफर्निश्ड मिलेंगे। एंड अगर फर्निश्ड मिलते भी है तो वो आपको 30K के अराउंड मिलेंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करती हूँ, आप 1-2 किलोमीटर आगे चल जाइएगा फिर लीजिएगा, तो आपको आप 16-15K के अराउंड ऐसे फ्लैट मिल जाएंगे 2BHK। ये मैं जितना बता रही हूँ सर 2BHK बता रहा हूँ, 1BHK बहुत कम है फ्लैट्स वगैरह, इसलिए 2BHK ही रहते हैं मोस्टली। थ्री की बात करते हैं तो फेस थ्री में भी काफ़ी इस कंपनी है, टेक महिंद्रा है, TCS है, यस टेक्नोलॉजीज़ है, कैप्चर मनाई है, और भी बहुत सारी इस कंपनी है। तो आपको फेस थ्री में भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ है, आपको काफ़ी सारे फ्लैट्स मिल जाएंगे। आप TCS के पीछे ही देख लो कितनी सारी सोसाइटी, टेक महिंद्रा के पीछे भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, एंड आपको भी वहाँ पे 16-24K के अराउंड मिल जाएगा। और ये लोकेशन पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है, अगर आप बहुत सारे पीजी वाले थोड़े कम रेंट रखते हैं, कोई ज़्यादा रखते हैं फ्लैट वाले आई मीन, तो वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। एंड अभी उधर कंस्ट्रक्शन का काम, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो मे भी 2-3 सालों में मेट्रो स्टार्ट हो जाए तो ये आपको ये प्रॉब्लम हो गई नहीं, जो आने जाने का प्रॉब्लम होता है ऑटो ट्रैफिक ये सब की। एंड फेस वन से फेस टू जाने के लिए आपको मोस्टली 10-15 रुपये 20 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं, आप ऑटो से आराम से ट्रेवल कर सकते हो, और ऑटो फैसिलिटीज़ भी हैं सारे फेस के लिए, मतलब आराम से आप इजीली जा सकते हो। एंड फेस थ्री में आपको पीजी उतनी नहीं मिलेगी, पीजी आपको फेस वन में ही मिलेंगे। अगर आपको पीजी में रहना है तो आप फेस वन में पीजी ले सकते हो, फिर आप ट्रैवल करके फेस टू या फेस थ्री, जहाँ भी आपकी लोकेशन आप वहाँ जा सकते हो। एंड फेस वन में आपको शिवाजी चौक या लक्ष्मी नगर के पास में आपको बहुत सारी पीजीज मिल जाएगी। एंड पीजी कितनी, 7500 अप्रॉक्स, मतलब इतनी रेंट की रहती है, आपको इतने के अराउंड समथिंग अराउंड में आपको पीजी मिल जाएगी। इसमें भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है,
वो भी लोकेशन पे डिपेंड करता है और इंसान पे भी डिपेंड करता है। कोई इंसान कम रेंट रखते हैं अपने रूम का, कोई ज़्यादा रखता है। एंड सर्वाइव का तो देखो, अगर आपकी सैलरी कम है, आप 15,000 है, तो आप उसमें भी अच्छी खासे सर्वाइव कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप 7,500 आपके रूम रेंट हो गया और आप जो भी आपकी ग्रॉसरी खाने पीने का खर्चा है 3,000-4,000, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करते हो तो 10,000 तक आपका जो है, या 11,000 भी आप खर्चा करते हो, फिर भी वो 2-3,000 बच जाता है। तो उसी तरह से आप अपनी जो सैलरी है उसके हिसाब से सर्वाइव कर सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम किसको नहीं आती है, अगर आप 1,00,000 रुपये भी कमाओगे फिर भी आपको वो कम लगेगा, फिर आपकी जो लाइफस्टाइल होगी, वो जो लग्जरी लाइफ होगी, थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अभी आप 15K में ही सर्वाइव कर लोगे, या आप बीटेक वाले हो तो आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग खर्च करोगे। नॉर्मल अगर खाओगे पियोगे दाल चावल तो आप आराम से 10-11,000 में आपका हो जाएगा, अगर आप पीजी में रहते हो तो। अगर आप रेस्टोरेंट के जाते हो खाते हो तो आपका एक्सटर्नल खर्चा हुआ। तो ये सब है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। सो आई विल मीट यू गैस इज माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप प्लानिंग एंड कीप सपोर्टिंग, एंड आई लव यू गैस, बाय।